हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम टैली की एक और लेटेस्ट और अमेजिंग TDL फाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये TDL फाइल भी टैली की बाकी सभी TDL फाइल्स की तरह के एक एडवांस और अमेजिंग TDL फाइल है। टैली की इस TDL फाइल की मदद से हमारी लगभग 15 TDL फाइल एक ही TDL फाइल के अंदर कवर हो जाएगी, यानी हमारे 15 TDL फाइल के फीचर सिर्फ अकेली TDL फाइल के अंदर आ जाएंगे, जिसकी मदद से हम अपने गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए अपने लेजर को क्रिएट कर सकते हैं, अपनी आइटम्स को क्रिएट कर सकते हैं, वाउचर टाइप को क्रिएट कर सकते हैं, अपने स्टॉक ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं, गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए अपने व्हाट्सएप को ओपन कर सकते हैं, डे बुक को ओपन कर सकते हैं, अपने बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ट्रायल बैलेंस, लेजर बैलेंस, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, डेबिट नोट रजिस्टर, क्रेडिट नोट रजिस्टर और स्टॉक समरी, इन सभी की डिटेल को हम गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए सिंपल एक ही क्लिक में देख सकते हैं। तो टैली की काफ़ी एडवांस और अमेजिंग TDL फाइल है और इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइड करेंगे कि किस तरह से इस TDL फाइल को लोड करेंगे और किस तरह से उसको यूज़ करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे कर लीजिए। अब यहाँ पर रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही यहाँ पर बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल पर आई टैली, ईवे बिल और GST से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम टैली सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं और आज हम यहाँ पे आपको टैली के काफ़ी एडवांस TDL फाइल के बारे में बताएंगे। और ये TDL फाइल टैली की काफ़ी एडवांस TDL फाइल है। टैली की इस TDL फाइल की मदद से हम 15 अलग अलग TDL फाइल के फीचर्स को सिंपल एक ही TDL फाइल में यूज़ कर सकते हैं, यानी हमारी टॉप 15 TDL फाइल इस 1 TDL फाइल के अंदर कवर हो जाएगी, जिसकी मदद से हम गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए अपने स्टॉक आइटम को क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉक ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं, अपनी लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही में हम गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए अपने व्हाट्सएप को एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी मदद से सिंपल अपने किसी भी पार्टी को इनवॉइस भी सेंड कर सकते हैं, अपने ट्रायल बैलेंस को देख सकते हैं, बैलेंस शीट को देख सकते हैं, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, डेबिट नोट रजिस्टर, क्रेडिट नोट रजिस्टर, हमारी स्टॉक समरी, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम सिंपल गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए ही एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई अंदर डिस्प्ले में जाके अलग अलग फीचर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको TDL फाइल लोड करके दिखाते हैं, तो उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल देंगे किस तरह से हम इस TDL फाइल को यूज़ करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस TDL फाइल को लोड कर लेते हैं। तो ये हमारी वो TDL फाइल है जिसका नाम है टॉप 15 TDL फाइल इन 1 TDL फाइल। इस TDL फाइल को टैली सॉफ्टवेयर में लोड करने के लिए सिंपल आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में आइए और सिक्योरिटीज वाले टैब में आके यहाँ से इसके फुल नेम को कॉपी कर दीजिए। ध्यान रहे यहाँ से आपको इसका पूरा नाम कॉपी करना है, नहीं तो TDL फाइल वर्क नहीं करेगी। इसे कॉपी करने के बाद दोबारा से टैली सॉफ्टवेयर में आ जाइए और गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो पर आ जाएंगे और यहाँ से सिंपल प्रोडक्ट एंड फीचर्स में आ जाइए। प्रोडक्ट एंड फीचर मानने के बाद यहाँ पर राइट साइड में आपको ऑप्शन शो हो रहा है मैनेज लोकल TDL, यहाँ तक सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए या तो इसकी शॉर्टकट की F4। इस पर क्लिक करते आप TDL कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो पर आ जाएंगे। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन लोड TDL फाइल ऑन स्टार्टअप, इस पर यस कर दीजिए और नीचे वाले सेकंड ऑप्शन मार्कर TDL फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+V। देन आप सिंपल इस TDL कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो को एक्सेप्ट करा दीजिए। इसे एक्सेप्ट करा तब देखेंगे यहाँ पर हमारी ये TDL फाइल सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। तो आइए देखते हैं कि वे TDL फाइल वर्क कर रही है या नहीं। अब टैली सॉफ्टवेयर में इस TDL फाइल का वर्क देखने के लिए अब देखेंगे यहाँ पे हमें काफ़ी सारे न्यू ऑप्शन शो हो रहे हैं और यहाँ पर राइट साइड में भी हमें काफ़ी सारे न्यू ऑप्शन शो हो रहे हैं। ये सारे ऑप्शन अभी आपकी टैली में शो नहीं हो रहे होंगे, ये ऑप्शन तभी आपको शो होंगे जब आप इस TDL फाइल को लोड कर लेंगे। तो अब देखेंगे इस तरफ हमारे 11 ऑप्शन है और ऊपर की तरफ हमारे 4 ऑप्शन है, यानी टोटल हमारे 15 फीचर्स एक ही TDL फाइल के अंदर वर्क करेंगे। तो आइए हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कौन सा फीचर हमारा क्या वर्क करेगा। तो आप सबसे ऊपर देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है लेजर क्रिएट, जिसके हमारी शॉर्टकट की है Alt+1। जैसे आप अपने कीबोर्ड से Alt+1 टाइप करेंगे या सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लेजर क्रिएशन की विंडो पर जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ से हम सिंपल एक ही क्लिक में न्यू लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ हमारा दूसरा ऑप्शन है आइटम क्रिएट। आप जैसे ही Alt+2 टाइप करेंगे यहाँ से आप आइटम क्रिएशन की विंडो पर आ जाएंगे और यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए अपनी आइटम्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हम आइटम क्रिएशन की विंडो पर आ गए और किसी भी आइटम को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं।
इसके लिए हमें इन्वेंट्री इन्फो में जाके, क्रिएट आइटम में जाके, क्रिएट पे जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल यहाँ से क्रिएट आइटम पे क्लिक करेंगे, आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप वाउचर टाइप को क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ सब सिंपल एक ही क्लिक में नए वाउचर टाइप को भी क्रिएट कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ से न्यू वाउचर टाइप को क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो वैसे आपको न्यू वाउचर को क्रिएट करने के लिए अकाउंटिंग इन्फो में आना पड़ता है, यहाँ से वाउचर टाइप में जाना पड़ता है, यहाँ से क्रिएट में आना पड़ता है। तो यहाँ पे सिंपल इसकी शॉर्टकट की लगी हुई है, एक ही क्लिक के अंदर इसको क्रिएट कर सकते हैं। वाउचर टाइप के लिए हमारी शॉर्टकट की है ऑल्ट की। इसके बाद हमारा स्टॉक ग्रुप, अगर आप कोई नया स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट 4। इस पर क्लिक कर दीजिए तो देखेंगे यहाँ पर स्टॉक ग्रुप क्रिएशन की विंडो पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे चार ऊपर हमारे अमेजिंग फीचर है। सबसे पहला है हमारा लेजर क्रिएशन, दूसरा हमारा आइटम क्रिएशन, तीसरा हमारा वाउचर टाइप क्रिएशन और चौथा हमारा स्टॉक ग्रुप क्रिएशन। अब इसके बाद राइट साइड में हम 11 न्यू और फीचर देख रहे हैं। हम एक एक करके इनको भी देखते हैं कि हमारे क्या वर्क करेंगे। अब सबसे पहला हमारा इसके अंदर व्हाट्सएप, व्हाट्सएप का हमारा काफ़ी एडवांस फीचर है। इसकी मदद जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आपके टैली के अंदर या आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी ब्राउजर होगा उसमें ऑटोमेटिक आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा और आप जो भी इनवॉइस यहाँ पे क्रिएट करें उसको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर सकते हैं। इसकी हमारी शॉर्टकट की है F7। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट है डे बुक, डे बुक का हमारा शॉर्टकट की है Alt D। जैसे इस पर क्लिक करेंगे सिंपल आप डे बुक में आ जाएंगे और यहाँ से अपनी सारी एंट्रीज को चेक कर सकते हैं। एक ही क्लिक में अपनी पूरी डे बुक को यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल की हमारे लिए शॉर्टकट की Alt R। जैसे भी इस पर क्लिक करेंगे आप बिल्स रिसीवेबल की विंडो में आ जाएंगे और यहाँ से आप सिंपल देख सकते हैं कि किन किन से भी अपने अमाउंट को रिसीव करना है। ये पूरी लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। तो वैसे आपको बिल्स रिसीवेबल के लिए टैली के अंदर काफी अंदर जाके ओपन करना होता है और इसकी मदद से सिंपल एक ही क्लिक में आप बिल्स रिसीवेबल वाली विंडो में जा सकते हैं। उसके बाद हमारा उसके नेक्स्ट है बिल्स पेबल, आप बिल्स पेबल वाली विंडो में भी सिंपल इस पर क्लिक करके जा सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट ये Alt C। इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं किस किस के भी आपने अमाउंट पे करने हैं। यहाँ पर हमने चार पार्टीज के अमाउंट पे करने हैं और बिल्स रिसीवेबल की विंडो हमारी एक ही क्लिक के अंदर ओपन हो जाती है। टैली की काफ़ी अमेजिंग और एडवांस TDL फाइल है। टैली की TDL फाइल की मदद से काफ़ी सारे फीचर हमारे एक ही क्लिक के अंदर ओपन हो रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रायल बैलेंस, अगर आप ट्रायल बैलेंस को देखना चाहते हैं तो सिंपल उसकी शॉर्टकट की Alt T, नहीं तो इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से अपने ट्रायल बैलेंस को भी ओपन कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे हमारे सामने ट्रायल बैलेंस क्रिएशन की विंडो आ जाती है और यहाँ से सिंपल अपने ट्रायल बैलेंस को प्रिंट भी कर सकते हैं, इसको Alt F1 से डिटेल फॉर्म में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल रजिस्टर, आप गेटवर्क टैली में रहते हुए अपने सेल रजिस्टर को भी ओपन कर सकते हैं, जिसके लिए हमारी शॉर्टकट की Alt S, नहीं तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करता देखेंगे एक ही क्लिक में हम सेल्स क्रिएशन वाली विंडो पर आ जाते हैं। नहीं तो आपको सेल क्रिएशन वाली विंडो में जाने के लिए गेटवर्क टैली में रहते हुए पहले डिस्प्ले में आना पड़ता है, अकाउंट बुक में आना पड़ता है, उसके बाद सेल रजिस्टर परचेस रजिस्टर में आना पड़ता है। लेकिन इस TDL फाइल की मदद से गेटवर्क टैली में आपको दो सिंपल ऑप्शन दिख जाते हैं, जिसमें आपका सेल रजिस्टर और परचेस रजिस्टर गेटवर्क टैली में रहते हुए ओपन कर सकते हैं। अब एक बार हम परचेस रजिस्टर को ओपन करके देखते हैं, तो सिंपल परचेस रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए, नहीं तो इसकी शॉर्टकट या Alt U। इस पर क्लिक करके देखेंगे आप परचेस क्रिएशन की विंडो पर आ जाएंगे, बस सिंपल एक ही क्लिक में यहाँ से परचेस क्रिएशन की सारी डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है डेबिट नोट रजिस्टर, अगर आप डेबिट नोट रजिस्टर की डिटेल को देखना चाहते हैं तो उसको भी एक ही क्लिक के अंदर देख सकते हैं। उसके हमारी यहाँ पे शॉर्टकट की है Alt B, Alt B टाइप करते हैं यहाँ पे डेबिट क्रिएशन की सारी देख सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे कोई भी डेबिट नोट क्रिएट नहीं किया हुआ, यानी कोई हमारी परचेस रजिस्ट्रेशन इसके अंदर नहीं है। तो अगर आप जैसे ही अगर आपकी कोई परचेस रजिस्ट्रेशन आप डेबिट नोट क्रिएट करते हैं तो उसकी विंडो पर भी आप एक ही क्लिक में आ सकते हैं। अब उसके नीचे हमारा क्रेडिट नोट, अगर क्रेडिट नोट की डिटेल को देखना चाहते हैं तो वो भी आप एक ही क्लिक के अंदर देख सकते हैं। आप देखेंगे आप क्रेडिट नोट रजिस्टर वाली डिटेल पे जब आ जाएंगे। इसी के साथ हमारा लास्ट है स्टॉक समरी का, अगर आप स्टॉक समरी को देखना चाहते हैं तो उससे क्लिक करके आप अपनी पूरी स्टॉक समरी को भी देख सकते हैं। तो टैली की काफ़ी एडवांस और अमेजिंग TDL फाइल है। टैली की इस TDL फाइल की मदद से हम काफ़ी सारे फीचर्स को, यानी हमारे टोटल 15 फीचर्स को हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं। 15 अलग अलग TDL फाइल को लोड करने की वजह हम एक ही TDL फाइल की मदद से अपने 15 फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मदद से हमारे टैली में वर्क काफ़ी ईजी हो जाता है, हमारी टैली के अंदर वर्क करने की स्पीड भी इम्प्रूव हो जाती है। तो ये टैली की एडवांस TDL फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें आप देखेंगे हमारे 15 फीचर हैं। एक एक करके इन फीचर को आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमारा लेजर क्रिएशन का, उसके बाद हमारा आइटम क्रिएशन का, तीसरा हमारा वाउचर टाइप क्रिएशन का, फोर्थ है हमारा स्टॉक ग्रुप क्रिएशन का, फिफ्थ है हमारा व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप का फीचर के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, इसके लिए आपको कुछ अपनी टैली के अंदर सेटिंग करनी होती है और सिंपल इसकी मदद से आप व्हाट्सएप के थ्रू ही अपने इनवॉइस को, पार्टीज को सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डे बुक का,
सिक्स हमारा डे बुक का है, सेवन्थ हमारा बिल्स रिसीवेबल का है, एट्थ हमारा बिल्स पेबल का, नाइन्थ है हमारा ट्रायल बैलेंस का, टेंथ है हमारा लेजर बैलेंस का, इलेवन है हमारा सेल रजिस्टर, ट्वेल्थ हमारा परचेस रजिस्टर, थर्टीन हमारा डेबिट नोट रजिस्टर, फोर्टीन हमारा क्रेडिट नोट रजिस्टर और हमारा फिफ्टीन और लास्ट है स्टॉक समरी का। मतलब हम अपनी पूरी स्टॉक समरी भी एक ही क्लिक के अंदर देख सकते हैं। टैली की काफ़ी अमेजिंग TDL फाइल है। तो अगर आप टैली की एडवांस TDL फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सअप मेरा नंबर मिल जाएगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप के थ्रू हम आपको टैली की ये और बाकी सारी अमेजिंग TDL फाइल प्रोवाइड करा देंगे। हमारे पास टैली की काफ़ी सारी एडवांस TDL फाइल है और इसके साथ अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर हमें मैसेज कर दीजिए, हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, जिससे आपको टैली, ईवे बिल और GST से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो के अपडेट नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।